मानसी चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आज कायनात तारीफ आपके साथ फिर से खुदावंद के कलाम को शेयर करूंगी और हम खुदावंद के कलाम से सीखने से पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आज के कलाम के सिला मुझे और आप सबको फर्क कर दे। कुदुस मेहरबान खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने को है, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, आज के लम्हात के लिए, क्योंकि तू अपने बंदों को बार बार मौका नाइट करता है कि वो तेरे काम से सीखे और दूसरों के साथ शेयर करें। तो मेहरबान खुदावंद, तो आज आपके कलाम के वसीला हम सबको बड़ी बरकत से नवाजना, मसीह के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन। आई मेरे सीसो, हम आज की रहनुमाई के लिए अपने लिए देखते हैं अब्रानियों के नाम खत, उसका पांचवा बाब और उसकी 11 आयत से लेकर लास्ट तक। आज हम देखेंगे कि पौलुस रसूल यहाँ पे क्या कहते हैं इसके बारे में। हम में बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लग गए हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें सात होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई सूल तुम्हें सिखाए और सख्त फिजा की जगह तुम्हें दूध पिलाने की हाजत भी पड़ गई है, क्योंकि दूध पीते हुओं को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त फिजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है जिनके हवस काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। पास आओ, मसीह के तलीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कामिल की तरफ कदम बढ़ाओ और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। अब हमें ये खुदा का कलाम क्या सिखाता है और हम खुदा के कलाम से किस तरह समझ सकते हैं? मेरे अजीजो, खुदा का कलाम में पौलुस जो खुदा का बंदा है वो इब्रानियों में बयान करता है कि जो इब्रानियों में क्या बयान करता है कि वो कहता है कि हम जो है वो ऊंचा सुनना शुरू हो गया है। ऊंचा मतलब कि अगर हमें कोई एक दफा बुलाता है हम उसे इग्नोर करते हैं, कोई दूसरी दफा बुलाए तो हम फिर भी उसे इग्नोर कर देते हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन हमें फिर से वही चिल्लाकर पुकार कर हिला कर कहता है तो इट्स मीन कि हम उसको गौर से सुनने लग जाते हैं। हम चिल्लाया जबकि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें पहले दो दफा पुकारा तो तूने मेरी आवाज को नहीं सुना, जब वो तीसरी दफा में पुकारता है, जब वो तीसरी दफा में हलाता है और पकड़ के कहता है कि मैं तुझसे मुखातिब हूँ या तुमसे बात कर रहा हूँ, तो हमें क्या कहता है कि तुम ऊंचा सुनना शुरू हो गए हो या ऊंचा सुनने लग गए हो। इसी तरह पौलुस इस आयत में कहता है कि तुम्हें तुमसे बहुत सी बातें कहनी है लेकिन तुम हो के जो तुम ऊंचा सुनना लग गए हो। कहता है कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें स्ताद होना चाहिए था कि आज जो वक्त है इसके मुताबिक हमें ये स्ताद होना चाहिए था, टीचर होना चाहिए था, टीच करने वाला पर्सन होना चाहिए था, लेकिन स्ताद तुम इसके मुताबिक तुम्हें स्ताद होना चाहिए था कि जो हम नहीं है। अगर आप इस बात की हाजत है कि कोई शख्स तुम्हें कलाम के बारे में फिर से सिखाए इब्तदाई सूर के शुरू से, जो हमें वो शुरू से सिखाता आया, हमने इसको पिक नहीं किया, छोड़ा दिया, तो वो कहता है कि इस बात की जरूरत फिर से पड़ गई है कि कोई शख्स तुम्हें खुदा के कलाम की बातें फिर से सिखाए और सख्त गजा की जगह तुम्हें दूध की आजत पड़ गई है। वो कहता है कि जो तुम्हें सख्त गजा लेनी थी वहां पे भी तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई है, दूध की जरूरत पड़ गई है, दूध मतलब तुम्हें नरम गजा की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि दूध पीते हुओं को राष्ट्रवासी के कलाम का तजर्बा नहीं है, इसलिए कि वो बच्चा है। अगर हम एग्जाम्पल लें अपने घर में, तो अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो हम उसको सख्त गजा तो नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उसको सख्त गजा देंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम है, वो उसके लिए डाइट है, लेकिन हमें जरूरत इस बात की है कि अगर बच्चा है तुम्हें सख्त गजा देनी है, अगर बड़ा है तुम्हें हमें थोड़ी हार्ड वाली गजा देनी है कि जो वो डाइजेस्ट कर सके। छोटा है तो हम उसको दूध इसलिए खिलाते हैं कि वो डाइजेस्ट कर सके, अच्छे तरीके से इसको हजम कर सके, इसलिए हम बड़े उम्र वालों को भी उनके मुताबिक उनको गजा देते हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है
कि तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए था, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हें नर्म गजा देने की जरूरत है, तुम्हें सिखाने की जरूरत है। और निकोबद कि अभी तुम्हें इस लाइफ होना चाहिए था कि तुम निकोबद की पहचान कर पाते, तुम उनको समझा सकते। जब मुझे खुद को निकोबद का नहीं पता होगा तो मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि अभी हमें साथ होना चाहिए था, हमें नरम गुस्सा की बजाय हमारी ऐसी गुस्सा होनी चाहिए थी कि हम दूसरों को बता सकते, हम दूसरों को समझा सकते, हम उनको खुदा के कलाम के लिए मोटिवेट कर पाते। लेकिन मेरे जीसो आज वो हमसे क्या कहते हैं कि तुम्हें सख्त गुस्सा की जगह पर तुम्हें नरम गुस्सा की जरूरत पड़ गई है, गुस्सा की जगह पर तुम्हें नरम गुस्सा की जरूरत पड़ गई है, तुम्हें सख्त गुस्सा की जगह पर तुम्हें फिर से दूध पिलाने की जरूरत पड़ गई है। लेकिन वो क्या कहता है कि बस आओ मसीह के कलाम की इब्तदाई बातें छोड़कर कामिल की तरफ कदम बढ़ाओ और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की। वो कह रहा है कि जो तेरे मुर्दा काम है उनको तू रद्द कर, उनको तू छोड़ और अपने मसीह की तरफ आगे बढ़। तुम्हें मसीह में तौबा करने के बारे में उसने क्यों कहा? तौबा तुम्हें मत्ती की भी बताती है, बाइबल बताते कि तौबा और बपतिस्मा लेना जरूरी है। लेकिन ये भी वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर अगर तौबा करते हैं तो हमें उनसे किनारा करने की, अपने गुनाहों को भी रद्द करने की जरूरत है। हमें ऐसा तौबा पर ही नहीं रहना बल्कि हमें खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की बाइबल को लेकर हमें अपने आगे स्टेप बढ़ाने हैं, हमें अभी आगे बढ़ना है ताकि हम सिर्फ इन्हीं बातों में ना रह जाए कि तौबा करें और अपने तक महदूद रह जाए। या क्योंकि तौबा जब हम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि खुदा अब हमसे खुश है, खुदा अब खुदा का जो प्यार है वो सिर्फ मेरे ऊपर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तौबा करनी है तो उसका मतलब है कि तौबा करके अपने ग्रहों से किनारा करके अपने आप को रद्द करके खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़ने की, हमें मसीहत में आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन मेरे जीसो आज पौलुस रसूल कहते हैं कि आज हमें जरूरत इस बात की है कि हमें दूध की जगह पर हमें अच्छे कलाम को ऑब्जर्व करना है, हमें नरम गुजा की जगह पर हमें अपनी हार्ड गुजा को लेना है, ताकि जब हम अपनी हार्ड गुजा को डाइजेस्ट कर पाएंगे तो ही हम दूसरों तक उस गुजा को ले जाएंगे। ऐसा क्या अगर हमने खाना खाया वो हमें हजम ही नहीं हो रहा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें खुदा के कलाम को पहले समझें, इस पर अमल करें, फिर हम इसी कलाम की बातों को लेकर दुनिया में जाएं और दुनिया के लोगों को बता दें कि मेरा मसीह जिंदा है, मेरे मसीह की कई बातें जिंदा है और मेरे मसीह का एक एक लफ्ज जो उसने अपने मुंह से बोला है वो हमारे लिए पूरा कामिल काम करता है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला में बरकत दे और इस चीज की तौफीक दे कि हम खुदा के कलाम को सीखें और दूसरों के साथ खुदा का कलाम शेयर करें। खुदा का कलाम हम सबके लिए बरकत का स्वाब हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।